दोस्त नमस्कार। आपके घर में हो महालक्ष्मी का प्रवेश। मैं हूँ देवेश। दोस्तों, अमेरिकी मिड टर्म के पहले हमने चर्चा करी थी कि घमंड तो लंकेश का टूट गया, बाइडेन किस खेत की मूली है। कुछ दिनों पहले बाइडेन से जब पूछा गया डॉलर के बारे में, तो उन्होंने कहा था डॉलर मजबूत है, हम इससे खुश हैं। लेकिन डॉलर मजबूत होने से दुनिया कमजोर हो गई, तो उसका ठीकरा बाइडेन ने दुनिया की अर्थनीति पर फोड़ा था। खुद की गलती थी, लेकिन दोष दुनिया को दिया था। लेकिन दोस्तों, घमंडी व्यक्ति है, दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, उसमें खुद गिर पड़ता है। यही देखिए आप अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के आंकड़ों में। भाई साहब, उन्होंने मिड टर्म के पहले अपने रिजर्व खोल दिए, मार्केट में जो है गैसोलीन की बाढ़ आ गई, गैसोलीन सस्ती हो गई, और बाइडेन ने बहुत ढिंढोरा पीटा कि देखो हमने गैसोलीन सस्ती कर दी, सस्ती कर दी। परिणाम देखने को मिला, चुनाव परिणाम में उनकी हार जितनी भयावह होना चाहिए थी उतनी नहीं हुई। जैसे तैसे करके वो अपनी इज्जत बचाने में तो कामयाब हुए, लेकिन जैसे ही महंगाई के आंकड़े आए तो भैया जी कलाई खुल गई। अमेरिका में जो महंगाई है वो जनवरी के बाद सबसे न्यूनतम स्तर पर आ गई। स्वाभाविक है दोस्तों, भारत हो या अमेरिका, अगर ईंधन सस्ता होता है तो महंगाई अपने आप काबू में आ जाती है। जैसे ही महंगाई के काबू में आने का पहला संकेत मिला, सबसे बड़ी कुर्बानी किसने दी? डॉलर ने दी। वही डॉलर जिसकी शक्ति को लेकर बाइडेन साहब गड़गड़ा रहे थे, वही डॉलर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। आपके सामने डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, पिछले 4 सालों की, जी हाँ, साल 2018 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट आप सामने देख रहे हो डॉलर की। भारतीय रुपया तूफानी रफ्तार से ऊपर उठाया, और ना सिर्फ भारतीय रुपया बल्कि भारतीय शेयर मार्केट में भी ताबड़तोड़ उछाल आया है। लेकिन आज वह भले ही चुनाव में इज्जत बचाने में कामयाब हुए, लेकिन डॉलर की लुटिया डूब गई। परंतु दोस्तों, ये मार्केट है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी डॉलर ऊपर रहेगा कभी नीचे रहेगा। हमें सिर्फ क्या करना है, नीचे के लेवल पर खरीदना है, ऊपर के लेवल पर बेचना है, ताकि इस उड़ान में हमारा प्रॉफिट बनता रहे। ये सब करने में मदद करेंगी आपकी दो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की कलाएं। इन्हें सीख लीजिए, और जिस तरह हम अपनी हॉबी पूरी कर रहे हैं यूट्यूब पर वीडियो पब्लिश करके, फिर आपको भी काम नहीं करना पड़ेगा, आप भी अपनी हॉबियां अरमान पूरे करेंगे। इसलिए केवल 5 दिन अथवा 50 घंटों में सीख लीजिए टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की कलाएं, फिर जिंदगी भर बैठे बैठे पैसा कमाइएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है लिंक, उस पर क्लिक कीजिए 1 जनवरी के पहले, क्योंकि उसके बाद कोर्स की फीस हो जाएगी डबल। धन्यवाद। जय श्री राम।